आज हम देखने वाले हैं रॉयल रिक्रूट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो न्यू ट्रूप रॉयल क्लैश में रिलीज होने वाला है। हम उसके बारे में देखेंगे। एक कॉमन ट्रूप है, उस 6 दिन में रिलीज होने वाला है। उसका नाम है रॉयल रिक्रूट। एक लेवल 9 तक अपडेट हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है। और कुछ दिन पहले ही क्लैश रॉयल ने बता दिया था कि न्यू ट्रूप आने वाला है रॉयल रिक्रूट। उसका नाम है, एक कॉमन ट्रूप है। उसका हिट पॉइंट 208 है, डैमेज 43 है, डैमेज पर सेकंड 35। ग्राउंड ट्रूप है और उसकी स्पीड मीडियम है। वो काउंट 6 यूनिट में होता है। जब वो मैक्स लेवल 9 तक होने वाला है, उसका डैमेज 91 बहुत ज़्यादा होता है। जब क्लैश रॉयल ने रिलीज किया था उस ट्रूप को, तब उसका इलिक्जर 6 का था इलिक्जर, लेकिन अभी वो उन्होंने नर्फ कर दिया है और 8 इलिक्जर लगता है उसके लिए। बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन वो सही है ट्रूप। आप देख सकते हो उसके कुछ अटैक मैंने कर दिए है। रॉयल रिक्रूट प्रैक्टिस बोल के आता है, उसमें मैंने वो दिखा है, आप देख सकते हो। हम देखेंगे उसके बारे में। कुछ अटैक मैंने किए है, ओवर पावर तो नहीं है, लेकिन सही प्रूफ है। तो अपकमिंग आने वाला है रिलीज, 6 दिन में होने वाला है। उसका नाम रॉयल रिक्रूट है। मैंने लून और मिनियंस डिप्लॉय कर दिया है। उस साइड से एक जेंट छोड़ दिया है, उसको डिपीट करने के लिए मैंने हंटर छोड़ दिया। उसके बाद उसने विजार्ड भी छोड़ दिया। मैंने कुछ गोब्लिन छोड़ दिया है जो डिपीट करने के लिए, और विजार्ड ने सब गोब्लिन को मार दिया है मेरे। मेरा लेफ्ट साइड का किंग है, वो 1 कुछ डैमेज हो चुका है। मैं अभी डिप्लॉय करने वाला हूँ रॉयल रिक्रूट। जो काउंट होते हैं 6 में, वो उसने भी डिप्लॉय कर दिया है। उसके भी मैक्स है, ये भी मैक्स है मेरे। और मैंने लेजेंडरी यूज करके, लकड़ी यूज करके सब स्केलेटन को मार दिया। रॉयल रिक्रूट के पीछे मैंने आर्चर गोब्लिन छोड़ दिया है, और आइस गोलम भी है। उसका एक किंग डैमेज होगा, किंग टावर। उसने वॉल छोड़ के सब को मार दिया है। वॉल बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। मैंने अभी बहुत क्लोज है, अभी 2x इलेक्टर हो चुका है। मैंने लकड़ी छोड़ के थोड़ा डैमेज कर दिया है विजार्ड को। फिर से मैंने रॉयल रिक्रूट छोड़ा है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्टर खाता है। 8 बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको संभालना या जो भी उसके ओपोनेंट के अगर कम इलेक्टर वाले ट्रूप हो गए, तो हम इजीली डिपीट हो सकते हैं या इजीली हमें फोड़ सकता है। मैंने एक उसका टावर उड़ा दिया है, और 21 सेकंड रिमेनिंग है मैच खत्म होने में। अभी भी मैं एक टावर उड़ा सकता हूँ उसका, देखते क्या होता है। और उसने मस्केटर छोड़ रहा है। 1 सेकंड और मैं इस मैच को जीत चुका हूँ। और आपने देखा है, अभी मैंने अटैक दिखा है, वो बहुत ओवर पावर नहीं है, लेकिन जो भी है फिलहाल वो अच्छा है। लेकिन जब इलिक्जर 6 का था, तो वो बहुत ओवर पावर था। उसको
रॉयल क्लैश ने नर्फ कर दिया है एटी लिगर करके, तो कुछ हिट पॉइंट भी और डैमेज पॉइंट भी कम कर दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसके बारे में वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।